हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ DIYs एंड कुछ ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स जो कि हम घर पे बना सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर सुंदर भी लगेगा और ऑर्गेनाइज्ड भी लगेगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी पुरानी सॉक्स जो हैं वो हमारे घर में अक्सर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इनको फेंक देते हैं ना। कई बार इलास्टिक लूज़ हो जाती है या रंग फेड हो जाता है या थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो हम इनको फेंकने के बजाय इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, ये जो छोटी अम्ब्रेला है हम इसको एज अ अम्ब्रेला कवर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस सॉक्स के अंदर इस अम्ब्रेला को डाल दीजिए, देन उसके बाद इसको एज अ अम्ब्रेला कवर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके पैसे भी बचेंगे और ना ही आपको स्पेशली आपकी अम्ब्रेला के लिए आपको कवर लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस तरह के जो जार्स होते हैं वो मोस्टली हमारे आते ही हैं घर में, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं तो स्नैक्स वगैरह तो इसमें आते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चों की स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हो तो डेकोरेट भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर कुछ भी लगा के, पेपर वगैरह लगा के, तो आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इस सॉक्स को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा काटूँगी और इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है आप इसको कैंची की हेल्प से काट लीजिए, देन इसके बाद आप इस जार के ऊपर जो है सॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फिर मेरा जार जो है वो कितना अट्रैक्टिव और कितना ही अच्छा दिखेगा। और आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करें और अपने घर में इस तरह से कोई भी सामान को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स अक्सर हमारे घर पे होती है, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आइए मैं आपको एक और DIY बताती हूँ, इसके यूज से आप कितना अच्छा DIY ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसका जो अपर पोर्शन है आप उसको पहले कट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ कटर। आप इसको आराम से धीरे धीरे इसके ऊपर का पार्ट जो है वो काट लीजिए। देन मैंने इसको स्केल की हेल्प से मार्क कर लिया है जिस जहाँ पे मैंने इसको काटना है, तो इसको मैंने मार्क करके कैंची की हेल्प से मैं इसको काट लूँगी बीच में से। इस बोतल को अब मैंने काट लिया है, देन उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, अब आप देखिए ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपने कप्स को अरेंज कर दूँगी। तो देखिए मैंने एक बोतल, पुरानी बोतल की हेल्प से एक कप ऑर्गेनाइज़र बनाया है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही मार्केट से कोई स्पेशल ऑर्गेनाइज़र लाने की ज़रूरत है। स्पेशली जिनके घरों में किचन में स्पेस नहीं होती है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाइए और अपने कप को। तो मेरा ये DIY आइडिया कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह के जो जिप लॉक पैकेट्स होते हैं, ये चॉकलेट्स से जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं बच्चों के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इनको फेंक देते हैं। आपको पता है इसको कितना हम यूज़ में ला सकते हैं। और ये जिप लॉक जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो सिली नहीं होती है ना, कोई मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, लाइक बिस्किट जो है वो हमारे सिल जाते हैं ना, तो हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं एज इट इज़। गाइज ये जो आप देख रहे हो ये एक टॉय रिंग है, मतलब मेरी बेटी का टॉय था तो वो खेलती नहीं है, तो ऐसी ऐसी रिंग्स जो हैं वो वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करती हूँ। कईयों के घरों में क्या होता है कि जो
स्टॉल होल्डर्स होते हैं वो नहीं अवेलेबल होते हैं ना, हम इजीली नहीं मार्केट से कहीं बार ला पाते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिंग को एज अ टॉवल होल्डर हम यूज़ कर सकते हैं। तो टॉवल हैंगर होता है बाथरूम वगैरह में, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये रिंग नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बैंगल्स होती हैं हमारी, हम वेस्ट जो बैंगल्स होती हैं हम उसको यूज़ करके एक टॉवल होल्डर बना सकते हैं। अब देखिए आप इस हैंगर को वॉशरूम में हैंग कर सकते हैं और मेरा टॉवल जो है वो इजीली अरेंज हो गया है। आप इस पुरानी सॉक्स को एज अ डस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहीं जगह पे होता है कि हमारा हाथ कटने का डर होता है या कहीं लगने का डर होता है, तो हम इस सॉक्स को अपने हाथ के ऊपर डाल के तो हम इससे इजीली डस्टिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ DIYs जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।